दोस्तों, इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? इजिप्शियन? नहीं, तो क्या रोमन? वेल, वो भी नहीं, बल्कि सवाल का सही जवाब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले कि आप मुझ पर सवाल उठाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट कहती है, जिसमें लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिले सबूतों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो एविडेंसेस के हिसाब से सिंधु घाटी की सभ्यता आज से करीब 8000 साल पुरानी पाई गई। अब टेक्निकली इस फिगर के बाद ये सिविलाइजेशन इजिप्ट और मेसोपोटेमिया समेत दुनिया की किसी भी सभ्यता से ज्यादा पुरानी बन जाती है, जो भले ही इस प्रांत के लिए बड़े ही गर्व की बात हो, बट ऑन दी अदर हैंड ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है कि सिंधु घाटी की वो सभ्यता जिसने सैकड़ों साल लिटरली ह्यूमैनिटी के लिए एग्जाम्पल सेट किए हैं, आज 8000 साल बीत जाने के बावजूद ये कोई नहीं जानता कि आखिर उनका खात्मा कैसे हुआ था। क्या इस सभ्यता के खात्मे के पीछे भूतों का हाथ था, या फिर यहाँ पर आज से हजारों साल पहले कोई ऐसा परमाणु विस्फोट हुआ था जिसके पीछे किसी टाइम ट्रैवलर की साजिश थी? वेल, आज के इस वीडियो में हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर यही जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1920 से। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहिनी जब पंजाब के उस प्रांत में पुराने अवशेषों को खोज रहे थे जो आज पाकिस्तान में मौजूद है, तभी अपनी खोज के दौरान उन्हें कुछ बर्तन मिले। अब देखो, खुदाई करने पर तीर कमान का मिलना बताता है कि उस जगह पर किसी तरह की जंग हुई होगी, और ऐसे युद्ध के अवशेष मिलना इतिहास में कभी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं रही है। पर यहाँ पर घर गृहस्थी वाली चीजें एक ऐसी जगह पर मिली थी जिसे हमेशा से एक वीरान इलाके की तरह ट्रीट किया जाता था। अब दयाराम जी के हाथों एक सोने का अंडा लगा था, जिसे अगर वो छोड़ देते तो कोई भी उन्हें याद नहीं रखता। पर उन्होंने ये गलती नहीं की और टीम को बुलवाकर आसपास और ज्यादा जांच करवाई, और जिसके बाद उन्हें बैलगाड़ी, अनाज के गोदाम और ऐसे रिहायशी सबूत मिले। अब बारीकी से देखने पर यह पता चला कि उस जगह पर सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और ऐसी कई आर्किटेक्चरल फैसिलिटीज थी जो 1920 के दशक में भी इंजीनियर्स को परेशान किया करती थी। और इसी हैरानी के साथ उस दौर में ऑफिशियली खोज हुई हड़प्पा की। अब यही रिपोर्ट जब आगे जाकर ब्रिटिश इंडिया के अंडर आने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जमा की गई, तो खुशकिस्मती से विभाग ने इस मुद्दे को और सीरियसली लिया और कुछ सबसे बेस्ट एक्सपर्ट्स को भेजे जाने के बाद 5 से 10 सालों के अंदर ही वहां पर धोलावीरा, सुतकागन डोर, चानू डोर और सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदाड़ो समेत बहुत से शहरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। अब पहले इसे प्राचीन समय में रहने वाले लोगों के नॉर्मल सबूतों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, पर जब खोज में मिलने वाले शहर बढ़ता ही गया और मिलने वाले सबूतों की संख्या खत्म ही नहीं हुई, तो अंततः साल 1924 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई जॉन मार्शल दुनिया के सामने आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज को पब्लिक किया। अब सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की किसी भी सभ्यता से बहुत ज्यादा अलग और खास है, और जिसकी कुछ डिटेल्स तो ऐसी है कि आज भी बड़े से बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब उदाहरण के लिए हिंदुस्तान टाइम के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल मिलाकर 1056 से भी ज्यादा गांव और शहर मौजूद थे, जिसमें अभी भी ना जाने कितने ऐसे हैं जिनका पता नहीं लग पाया है। अब ये आंकड़ा दर्शाता है कि उस दौर में ये इलाका कितना बड़ा होगा, और ये ह्यूमंगस साइज ही वो कारण है जिस वजह से एक समय पर यहाँ करीब 50 लाख लोग रहा करते थे। अब आज की डेट में भले ही ये संख्या बड़ी बात ना हो, मगर उस दौर में ये पूरी इंसानी आबादी का 10% से भी ज्यादा का हिस्सा था, जिसका मतलब है कि हर 10 में से एक इंसान उस दौर में सिंधु घाटी की सभ्यता का हिस्सा था। अब दोस्तों, ग्रीड आर्किटेक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ का हर एक गाँव इतना एक्सेसिबल और वेल डिजाइंड है कि उसके आगे आज के मुंबई और दिल्ली जैसे शहर भी पिछड़े हुए इलाके लगते हैं। अब इसका ड्रेनेज सिस्टम तो इतना उम्दा है कि पूरी दुनिया में भी, जी हाँ, साल
2023 में भी पूरी दुनिया में उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम शायद कहीं नहीं होगा। पाइपलाइंस को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर वाटर लेवल गलती से भी खतरनाक स्तर पर ऊपर उठेगा तो वो पानी सीधा पाइपलाइंस के थ्रू वाटर रिजर्वॉयर्स में जमा हो जाता था, जिस वजह से आप इसे इतिहास की पहली फ्लड प्रूफ सिटी भी कह सकते हैं। अब पानी का दबाव सिर्फ किसी एक जगह पर ना पड़े, इसके लिए धोलावीरा में करीब 16 वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए गए थे और जिसमें से 7 आज हजारों साल बाद भी इंटैक्ट हैं। अब एक और खतरनाक खुलासा तब हुआ जब साल 2006 में मेहरगढ़ में होने वाली एक्सपीडिशन में डेंटिस्ट्री के एविडेंसेस पाए गए, जिसका मतलब कि जो डेंटिस्ट बनने के लिए आज बंदों को 6 से 8 साल की पढ़ाई लगती है ना, वही डेंटिस्ट 7,500 साल पहले भी एग्जिस्ट किया करते थे। अब यहाँ तराजू, टॉयलेट सीट, स्केल्स, बाथटब्स, बोर्ड गेम्स, सैनिटरीज और ना जाने कितनी ही ऐसी चीजें मिली थी जिसे गूगल के हिसाब से तो मॉडर्न एरा में डिस्कवर या इन्वेंट किया गया था, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए वो चीजें हजारों साल पहले ही उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना डेवलप्ड रीजन कंट्रोल करने वाला रूलर परफेक्ट होगा और यहाँ की आर्मी भी काफी स्ट्रांग होगी, पर दुनिया में हर कोई आज तक ये सोचकर कंफ्यूज रहता है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में एक सदी से भी ज्यादा रिसर्च करने के बाद आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो यहाँ पर किसी तरह के धर्म, मंदिर, शासन, सत्ता यानी हायरार्की के अस्तित्व की गुंजाइश भी पैदा करता हो। यहाँ तक कि इतने बड़े इलाके में कभी भी ना तो किसी तरह का हथियार मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत जिससे ये महसूस हो कि इतने बड़े इलाके में किसी तरह की आर्मी हुआ करती थी। और दोस्तों ये बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अगर इतिहास में कोई ऐसी सिविलाइजेशन रही है जो बिना किसी शासक और आर्मी या हथियारों के इतना लंबा सर्वाइव कर गई, तो ये पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी और फिलॉसफी को चैलेंज करने वाला मुद्दा है। अब टेक्निकली कहा जाए तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा था, लड़ाई झगड़े होते नहीं थे, बाढ़ की कोई समस्या नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल चकाचक था और परफेक्ट ट्रेड सिस्टम यहाँ की निशानी थी। मगर फिर एक रात ऐसा क्या हुआ कि जो सभ्यता इतनी फल फूल रही थी वो बस यूं ही अचानक से गायब हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं, पर यह सभ्यता खत्म कैसे हुई, ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्योंकि यहां हम 1,000-2,000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात है 5 मिलियन सिविलाइज्ड लोगों की, जिनका बस ऐसे ही खत्म हो जाना तो नामुमकिन नहीं है। जिस वजह से आज सिर्फ हमारा या आपका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के खात्मे की वजह आखिर क्या थी। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए अलग अलग आर्कियोलॉजिकल ग्रुप्स अपनी अलग अलग थियोरीज देते हैं, जिनमें से कुछ सबसे क्रेडिबल थियोरीज के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं और वो जस्टिफाइड है कि नहीं इसका भी जवाब देंगे। अब देखो सबसे पहला रीजन जो ऑब्वियस भी लगता है वो है ग्रेजुअल वेदर चेंजेस। अब दोस्तों जियोलॉजिकल स्टडी करने वाले वैज्ञानिक पुरानी रीडिंग्स की मदद से ये बताते हैं कि उस दौर में अर्थ की क्रस्ट में एक बड़ा ही सडन चेंज देखा गया था और जिस वजह से ना सिर्फ इस प्रांत में ढेर सारे भूकंप आए होंगे बल्कि यहाँ पर काफी सारा एरिया बाढ़ में भी बह गया होगा। अब देखो भले ही यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सॉलिड था, मगर एक के बाद एक आने वाले प्रलय की वजह से हो सकता है यहाँ होने वाला डिस्ट्रक्शन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बढ़ गया हो एंड एज ए रिजल्ट सब कुछ एक ही झटके में तबाह हो गया हो। नाउ कंसिडरिंग इमेजेस एंड डिटेल्स, हो सकता है कि यहाँ कभी बाढ़ आई हो, पर ना तो यहाँ पर होने वाला डिस्ट्रक्शन और ना ही यहाँ के फॉसिल्स इस चीज को बहुत क्लोजली सपोर्ट करते हैं कि ये एरिया पूरी तरह बाढ़ के आगोश में आया होगा। बाढ़ की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को ढह जाना चाहिए था या एटलीस्ट कुछ तो इम्पैक्ट आना ही चाहिए था, बट ऑन ए लार्जर स्केल यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से हम फ्लड को एक पॉसिबिलिटी मान सकते हैं और कह सकते हैं कि किसी बाढ़ की वजह से यहाँ का बहुत सारा हिस्सा तबाह हो गया होगा। पर देखो सिर्फ बाढ़ ही इसके खात्मे की वजह बनी ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है, जिस वजह से ये सिनेरियो पार्शियली गलत हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा कारण है यहाँ पर पड़ने वाला सूखा।
दोस्तों प्रमाण बताते हैं कि आज से करीब 3000 साल पहले सरस्वती नदी पूरी तरह से सूख गई थी, और जितना हमने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया, हरप्पन सिविलाइजेशन एक एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी, जिसका मतलब कि यहाँ मांसाहार से ज्यादा लोग खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट रहते थे, और इसके सबूत आपको आसपास के खेतों में भी देखने को मिलेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में सरस्वती नदी का सूखना कहीं ना कहीं यह बताता है कि इस पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया होगा, जिस वजह से लोगों के पास पलायन करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा। इन शॉर्ट आधे लोग इस एरिया में नदी के सूखने के बाद भुखमरी की वजह से मर गए होंगे, और जो बचे थे वो या तो मरने के लिए रुक गए या फिर पलायन करके कहीं और चले गए, जिस वजह से बिना किसी दुर्घटना के रातों रात सिंधु घाटी सभ्यता गायब हो गई। अब सरस्वती नदी के सूखने के भी प्रमाण मिलते हैं, और ये भी साफ पता चलता है कि जब शहर खाली हुआ था तब उसको बहुत ज्यादा ध्वस्त नहीं किया गया था। ऑल्सो मोहनजोदाड़ो जैसी जगह पर इतने नरकंकाल भी नहीं मिले हैं जितने लोगों के यहाँ पर रहने की पॉसिबिलिटी जताई जाती है, जिससे देखो पलायन एक बहुत स्ट्रांग संभावना है और अकाल पड़ना एक पॉसिबल रीजन की तरह उभर कर सामने आ सकती है। अब दोस्तों इसके अलावा बहुत से वैज्ञानिक यहाँ पर किसी बड़ी बीमारी के आउटब्रेक को भी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हैं, ड्यू टू एबनॉर्मल फॉसिल्स फाउंड हियर। फॉर क्लियरेंस, यहाँ पर डेंटिस्ट्री के अलावा मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिली है, जिस वजह से हर सभ्यता की तरह यहाँ पर भी मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को जस्टिफाई करने के लिए किसी वायरस से अच्छा रीजन और क्या हो सकता है। हालांकि इन सभी बातों के बीच जो बात हर किसी के दिमाग में खटक रही है वो है यहाँ का रेडिएशन। दोस्तों राजस्थान के जोधपुर के पास होने वाले एक रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन में और मोहनजोदाड़ो के भी बहुत से अवशेषों और नरकंकालों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर एग्जामिन करने के बाद उनमें से रेडिएशन की काफी ज्यादा मात्रा पाई गई थी। अब देखो आज के समय में इंसानों के लिए रेडिएशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5000 साल पहले के कंकालों में रेडिएशन के पाए जाने का मतलब ये है कि उस वक्त इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव एक्सपोजर इस एरिया पर पड़ा कि उसका असर आज भी यहाँ के अवशेषों पर मिल रहा है। अब ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आज से 5000 साल पहले न्यूक्लियर वेपन के लेवल की रेडिएशन का ना तो कभी इतिहास में कोई जिक्र हुआ है और ना ही कभी कोई इसे एक्सप्लेन कर पाया है, सिवाय एक जगह के, और वो है महाभारत। दोस्तों अमेरिका और यूके से आने वाले पुरातत्व विशेषज्ञों ने जब यहाँ पर भारी रेडिएशन को खोज कर निकाला तो उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया कि हो सकता है कि जिस महाभारत के युद्ध में न्यूक्लियर लेवल हथियारों के इस्तेमाल होने की बातों को कही गई है, उस युद्ध का असर इस इलाके में भी देखा गया होगा। अब कुरुक्षेत्र से मोहनजोदाड़ो की दूरी करीब 900 किलोमीटर के आसपास की है। अब मान लीजिए कि उस दौर में कुरुक्षेत्र और मोहनजोदाड़ो के बीच के किसी हिस्से में भयानक अस्त्रों का उपयोग हुआ होगा तो उनकी रेडिएशन की चपेट में हड़प्पन सभ्यता का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। अब देखो हम जानते हैं कि हम दो अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये काम भी हमने नहीं किया है, बल्कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ बहुत से फॉरेन आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूबर्स और आर्कियोलॉजिस्ट खुद ही महाभारत की मदद से यहाँ के अवशेषों में रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ऐसे में आपके हिसाब से इस सभ्यता का अंत यहाँ पर पड़ने वाला सूखा था, कोई भयानक बीमारी थी, या पॉसिबली महाभारत का युद्ध? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।